लाल कृष्ण लाल की। आप लोग कीर्तन गाए, इतना बढ़िया कीर्तन आपने गाया, मुझे लगता है कि आपने आपका होठ भी नहीं हिला। कीर्तन में इतनी कंजूसी, देखिए शास्त्रों में लिखा है, न तपो भिन्न वेदेश न ज्ञाने नापि करुण, हर ही साधते भारत तत्र प्रमाणं गोपिकाः। शास्त्र कहता है न तपोभिर्न वैदेश्य, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता है, साउंड वाले भाई आप कहीं हो ध्यान दे, मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से, न तपोभिर न वैदेश्य, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता है, जो फल वेदों की अध्ययन करने से नहीं मिलता है, जो फल अनेकानेक शतकर्म करने से नहीं मिलता है, हर ही साधते भक्तत्या तत्र प्रमाणं गोपिका, वो फल जो तपस्या करने से नहीं मिलता, जो वेदों की पढ़ने से नहीं मिलता, जो अनेकानेक शतकर्म करने से नहीं मिलता है, परमात्मा की भक्ति से मिल जाता है। इसका प्रमाण कहा ब्रज की गोपियां प्रमाण है, ब्रज की गोपियां कहीं तपस्या करने के लिए नहीं गई, नहीं ब्रज की गोपियां वेद पढ़ने गई, और ना ही ब्रज की गोपियों ने कोई सत्कर्म किया है, लेकिन गोविंद की प्राप्ति गोपियों को सुलभ है, इसलिए मैं कहा करता हूं तत्फलम लभ्यते शम्य कलो केशो कृतनात् एकाकारं कली दृष्टवा शारवत शारनिर्शम। अब देखो संसार में आप कोई भी कार्य करें आपको तुरंत फल नहीं मिलता, नौकरी करोगे महीनों दिन बाद तनख्वाह मिलेगी, खेती करोगे दो चार महीने बाद फसल निकलेगी, बाग लगाओगे दो चार पांच वर्ष बाद पेड़ों से फल निकलेगा। संसार की प्रत्येक कार्य आप देख लीजिए तत्काल फल देने वाला कोई कार्य नहीं है, लेकिन शास्त्र हमारा कहता है तत्फलम लभ्यते शम्य कलो केशो कृतना तत्फल। यदि परमात्मा का कीर्तन गाया जाए, गोविंद की कीर्तन को गाया जाए, तो परमात्मा का कीर्तन तत्काल फल देता है, तत्क्षण फल देता है, तत्फलम लभ्यते शम्य कलो।